भाईचारे के सैकड़ों लोगों ने खिलाया भाजपा का कमल। कालका से भाजपा के कदावर नेता सुभाष शर्मा की अध्यक्षता में हुए एक समागम में सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाजपा को अपनाया। इस अवसर पर सुभाष शर्मा ने बताया कि केंद्र में मोदी सरकार की कारगुजारी से देश का हर वर्ग खुश है। उन्होंने बताया कि वह आज मुस्लिम समाज के बुलाने पर यहाँ पर आए हैं और आश्वासन देते हैं कि उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस अवसर पर सुभाष शर्मा को गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा सम्मानित भी किया गया। जोर से कैमरामैन अभिषेक सूद के साथ भारत सूद, आजाद टीवी न्यूज। हल्का कालका से बीजेपी नेता सुभाष शर्मा जी हमारे होटल में पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर हम उनका दिल से स्वागत करते हैं और बीजेपी की और मोदी जी की नीतियों को देखते हुए लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इन्होंने मेंबर जो यहाँ बीजेपी में मेंबर शामिल कर रहे हैं उनका तहे दिल से, जो मेंबर भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मोदी जी की नीतियों को सोच के देख के कि कैसे वो सेंटर में 125 करोड़ आदमी को साथ लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। अब जैसे ये हमने हेल्थ पॉलिसी बनाई है 50 करोड़ों का लाभ होगा, उसमें ये भाई भी शामिल है, वो उसमें खाली मैं नहीं शामिल, उसमें ये भाई भी शामिल है। और उसके बाद बिजली के बिल माफ़ किए हैं मनोहर लाल जी ने, तो मैसेज और ये लोग पार्टी ज्वाइन करना चाहते, उनकी नीतियों को देख के, मनोहर लाल जी की और मोदी जी की नीतियों को देख के, ये सभी मेरे भाई जो पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं यहाँ के, इन्होंने आशियाना बनाया अपना, तो ये लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं इनका स्वागत करने आया हूँ। तो और सबसे बड़ी बात है कि फसलों का बहुत नुकसान हुआ हमारा, उसके लिए भी हमने पॉलिसी बना दी कि गिरदौरियाँ शुरू करवा दी हैं। तो बहुत से जैसे हमारे 48 गांव में बिजली नहीं थी, वो हम आज हमारी कंप्लीट होगी। सारे गांव में जितने अपना बोलने के 48 गांव थे, सब में आज बिजली पहुंच गई, इसलिए मैं इनको शुक्रिया भी करना है। इनकी भी कोई डिमांड होगी तो मैं भी सुनूंगा और करेंगे भी उसको। शुभकामना।